हनुमान मंदिर पर पिछले 3 दिनों से लगातार हनुमान मंदिर की जो प्रतिमा है उसको काला किया जा रहा है। तो ये इस इंटरनेशनल ब्रांड एंड स्मार्ट वॉचेस कलेक्शन विद ग्रेट ऑफर्स एट मिनट्स टू स्टाइल स्टेशन रोड अजमेर। जो विषय है वो तो 5 सालों से प्रदेश की जनता को मालूम है कि प्रदेश में किस तरह के हालात हैं। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है और जिस तरह से तुष्टिकरण की पराकाष्ठा इस प्रदेश में हुई है, उस तुष्टिकरण की पराकाष्ठा का नतीजा है कि खानपुरा क्षेत्र में हनुमान मंदिर पर पिछले 3 दिनों से लगातार हनुमान मंदिर की जो प्रतिमा है उसको काला किया जा रहा है। तो ये इस कांग्रेस सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, जो इनका संदेश है वो स्पष्ट है और वो स्पष्ट संदेश तुष्टिकरण को स्थापित करता है, भ्रष्टाचार को स्थापित करता है। जिस तरह से कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार फैला है, जो युवा को बेरोजगार मिल बनाने में, पर्चा लीक करने में ये सरकार बहुत आगे रही है। बेरोजगारों से वादा किया था कि वो बेरोजगारी भत्ता देगी, लेकिन एक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। किसानों की जमीनें नीलाम हो गई और महिला सुरक्षा की दृष्टि से यदि हम बात करें तो पूरी तरह से असुरक्षित यह प्रदेश है। कुछ दिनों पहले गैंगस्टर यहाँ होने वाला था, जिसमें 3 लोगों को शार्प शूटर्स ने चिन्हित किया था। वो तो समय रहते सूचना मिल गई, नहीं तो अजमेर में बहुत बड़ी घटना होने जा रही थी। तो इन सब का एक ही संदेश है कि कांग्रेस को हटाओ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाओ, क्योंकि प्रदेश में शांति चाहिए, अमन चैन चाहिए, रोजगार चाहिए। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कमल को खिलाना है। आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ। क्या नामांकन का क्या रहेगा? नामांकन हम आने वाले कुछ ही दिनों में, 1 तारीख से नामांकन शुरू होगा। हमारे एक तिथि हम तय करके और शीघ्र ही सार्वजनिक करने वाले हैं कि कौन सी तारीख को नामांकन होगा। पर हाँ, नामांकन उत्तर और दक्षिण का साथ ही होगा। किस तरह से जनता को साथ? मैंने जनता को आग्रह किया है कि अधिक से अधिक जन समुदाय उस नामांकन में उपस्थित हों, ताकि संदेश जाए प्रदेश में कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और कांग्रेस की सरकार जा रही है।